नमस्कार। 10th सीबीएसई के क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 के क्वेश्चन 4, 5 और 6 को मैं इस वीडियो में बताऊंगी। इसके पहले के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहे तो प्ले लिस्ट में अपनी कोचिंग कवर का यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट देखेंगे तो सारे पुराने क्वेश्चन एक लाइन से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3.3 क्वेश्चन 1 का 4। ये क्वेश्चन है 0.2x का 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x का 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसे हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंप्लीट करना है और x का y का वैल्यू निकालना है। तो हम ये देखते हैं, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले हम लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। x का वैल्यू निकालना है, तो पहले हम इसको इस तरह ट्रांसफर कर देंगे। 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। ठीक है, इसको हमने इस तरह ट्रांसफर कर दिया। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2 को ट्रांसफर करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसफर होकर डिवाइड में हो जाएगा। 1.3 माइनस 0.35 अपॉन 0.2। ठीक है, ये 0.2 यहाँ पर डिवाइड हो गया, x का वैल्यू आ गया, ये हमारा इक्वेशन 3। अब हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास है 0.4, x का वैल्यू x की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये हो गया x का वैल्यू। फिर प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो पहले 0.4 का मल्टीप्लाई है दोनों में कर देते हैं, ये बाहर 0.4 है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कितना हो जाएगा, 52.2। 0.5 इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या आ जाएगा, 0.52 माइनस 0.12, 4 3 12, दो नंबर के बाद पॉइंट, ये y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, यहाँ तक कम्प्लीट। इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया, ये वैसे ही लिख दिया और ये भी वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना है हमको, ये देखिए यहाँ प्लस है, फ्रैक्शन वाले प्लस कैसे करते हैं, हम एलसीएम निकालना। ठीक है, तो 0.2 का एलसीएम इसका और इसका एलसीएम 0.2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर नीचे एलसीएम लिख देते हैं 0.2, ये दोनों का एलसीएम 0.2। अब क्या करते हैं, ये तो ऐसे ही होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसमें कुछ नहीं, मतलब 1 का मल्टीप्लाई इधर तो ये सेम आ जाएगा और 0.2 का मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, तो इसको हम सेम उठा लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 0.52 माइनस 0.12 वाई, ये वाई प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 × 10 तो 0.10 y इज इक्वल टू 2.3 इज इक्वल टू 2.3 ऐसे। अब क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई ये जो है इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रांसफर में हमेशा अपोजिट साइड हो जाता है तो डिवाइड का मल्टीप्लाई, तब ये 0.52 माइनस 0.12, ये दोनों को प्लस कर दें हम लोग, माइनस कर दें, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 0.02y। 12 माइनस 12.12 में से 0.10 माइनस करेंगे तो 0.02y आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, ये 0.2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.46। फिर क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर दें इस तरफ,
0.52 इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 0.53 से कर लेते माइनस 0.46 इज इक्वल टू 0.025। इसको हमने इसलिए इस तरफ ट्रांसफर कर दिया क्योंकि ये माइनस में है, तो y घर जाकर प्लस हो जाएगा और ये इधर आकर माइनस। ठीक है, ये कितना हो जाता है 0.06। ठीक है, इसको इसको माइनस के 0.06 इज इक्वल टू 0.02y। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये फिर यहाँ आकर डिवाइड 0.06 अपॉन 0.02। कितना हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 3 6, तो 3 y का वैल्यू आया 3। अब y के वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3। 3 में कर लेते हैं, इक्वेशन 3 में करेंगे आसान हो जाएगा इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में हम y का वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई ये y का वैल्यू 3 यहाँ पर 3 अपॉन 0.2। x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1.3 माइनस 9 0.9 अपॉन 0.2 क्या होगा 0.4 अपॉन 0.2। 1.3 में से 0.9 माइनस होगा तो आएगा 0.4 और 0.4 अपॉन 2 0.4 टू पूछा 4 तो x का वैल्यू आया 2। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। अब इसको वेरिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, वेरिफिकेशन इसके पहले के 3 क्वेश्चन में कैसे करना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें पुट अप करना है। मैं बता देती हूँ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन 5 है।
3y is equal to 0, equation 1, or root 3x minus root 8y is equal to 0, equation 2. इसको सॉल्व करते हैं. From equation 1, हम equation 1 ले लेते हैं. From equation 1, equation 1 में root 2x plus root 3y is equal to 0. x को यही रहने देते हैं, y को ट्रांसफर कर देते हैं. root 2x is equal to minus root 3y. ये वाला हमने ट्रांसफर कर दिया, इसको इसी तरफ रहने दिया. अब x का वैल्यू निकाला तो x is equal to minus root 3y upon root 2. ठीक है, यहाँ तक क्या ये समझ में आता ही होगा आप लोगों को, है ना. ये माइनस हो जाएगा प्लस है तो इधर जाकर माइनस, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड. ये हो गया हमारा इक्वेशन 3. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 से एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में एक्स का वैल्यू रख दें, रूट 3, एक्स का वैल्यू ये है माइनस रूट 3 वाई अपॉन रूट 2. ये एक्स का वैल्यू हो गया माइनस रूट 8 वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, बाकी सब हमने रूट 3 का रूट 3 उतार दिया, रूट 8 वाई वैसे उतार दिया, 0 भी वैसे, सिर्फ एक्स की जगह हमने ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब क्या होगा, अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 होता है 3, रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 3, 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0. ठीक है, सिर्फ आपने इस रूट 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है. अब हम ये दोनों में से y को कॉमन ले लेंगे. ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस माइनस रूट 8 ये आएगा वाई. ठीक है, वाई को हमने क्या किया, ये दोनों में से यहाँ भी वाई है यहाँ भी वाई है, दोनों में से वाई को कॉमन ले लिया तो हमारा बचा माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8, माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8 वाई इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इतना पोर्शन इधर आकर डिवाइड हुआ तो y का वैल्यू भी 0 अपॉन माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8 कितना हो जाएगा, 0, y का वैल्यू 0 आ गया. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में y का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 ये रहा हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 इंटू 0 अपॉन रूट 2. ठीक है, y का वैल्यू 0 पुट अप करके तो x इज इक्वल टू भी 0 से मल्टीप्लाई 0 ही होता है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू 0 आ गया. अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, इस वाले इक्वेशन 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू x की और y की. तो सब्स्टिट्यूट शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, देख लेंगे आपको. सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 में लिखेंगे, 1 है रूट 2 इंटू 0 प्लस रूट 3 इंटू
क्वेश्चन सिक्स है, 3/x 3/2x माइनस 5y/3 इज इक्वल टू माइनस 2 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके पहले कर रहे थे तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन था, ये कहीं भी डिवाइडेड फ्रैक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो पहले हम इस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 1 लेते हैं और 1 को सॉल्व करते हैं, 3/2x 5y/3 इज इक्वल टू -2। इसको क्या करेंगे, हाँ फ्रैक्शन को हमेशा प्लस या माइनस करते समय एलसीएम लेते करते हैं, 3 2 का एलसीएम 3 2 6, 3 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। तो 3 3 9x 5 2 10, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, 10y = -2। अब 9x - 10y = 6 का मल्टीप्लाई का हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इधर, तो -12। ये हो गया इक्वेशन 3, ये 1 2 3 तो लेंगे 3। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन से करते हैं, सेकेंड को भी इसी तरह कर लेंगे हम लोग, सेकेंड को भी एलसीएम लिया, यहाँ 6 आ गया, 2x + 3y = यहाँ पर कितना हो गया 13/6 और ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 6 अपने यहाँ पर नहीं करते हैं इतना, ठीक है ये यहाँ पर ऐसे लिख दिया और ये यहाँ पर एलसीएम लेकर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये 6 भी इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, 2x + 3y = 13 × 6/6 कर दिया, 2x + 3y = 13। ये हुआ हमारा इक्वेशन 4। अब हमको वापस जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, अब हमारा सीधा सीधा इक्वेशन आ गया एक लाइन में, अब इसको हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले 3 इक्वेशन से हम x का या y का वैल्यू निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में ले लें, क्या है हमारे पास 9x - 10y = -12। ठीक है, x का वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ, x = क्या हो जाएगा, 9x = इसको -12 - 10y + 12 - 10y। ठीक है, अब x = -12 + 10y / 9, ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया इक्वेशन 5। ध्यान से देखेंगे हर इक्वेशन को, ध्यान से लिखते जाना है, आप लोग को एक बार में नहीं बनेगा, आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, इनके इक्वेशन को ध्यान रखना है कि हमको x का जो वैल्यू लिखते हैं उसके बाद वाला इक्वेशन इक्वेशन होता है उसमें ही y का वैल्यू पुट अप करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आप सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में करेंगे 4। ठीक है, x का वैल्यू पुट अप करेंगे तो 2 × x का वैल्यू क्या है हमारे पास की -12 + 10y / 9 + 3y = 13। सिर्फ x का वैल्यू पुट अप कर देना है, बाकी वैसे ही काम है। अब क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, -24 + 20y / 9 + 3y = 30। इसके आगे मैं यहाँ पर मिटा के कर रही हूँ। ठीक है, -24, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका हम वापस क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम 9 नीचे आ जाएगा 9 और ये 9 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -24 + 20y + 9 = 27 27y = 30। ठीक है,
y is equal to 117 plus 24. तो 47y is equal to कितना हो गया 141. y is equal to 141 upon 47. तो y का वैल्यू बचाने कट होगा तो आएगा 347 थीटा 141. ठीक है, अब इक्वेशन 5 में हम y का वैल्यू पुट अप करेंगे. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5. x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -12 + 10. ये है इक्वेशन 5 हमारे पास. तो -12 + 10 मल्टीप्लाई y का वैल्यू, 3 अपॉन 9. कितना हो गया ये 10 थीटा 30 -12 + 30 अपॉन 9. इसको माइनस कर